Hi students, today I am going to discuss chapter 8th of class 10th. The name of this chapter is Old Man at the Bridge. This is very emotional story of an old man who suffers in wartime. Though he does not believe in any ideology, but he has to suffer because of the war conditions. In this story, we are going to learn that wars always fought against humanity, and there is no space for humanity when wars are fought on the ground. So we are going to discuss it. An old man with steel rimmed spectacles and very dusty clothes sat by the side of the road. Ek budha vyakti jisne steel ki rim wale चश्मे पहन रखे थे, चश्मा पहन रखा था, एक बूढ़ा व्यक्ति जिसने स्टील की रिम वाला चश्मा पहन रखा था और बहुत ही गंदे कपड़े पहन रखे थे, वह रोड की साइड में बैठा हुआ था। तो ऐसा व्यक्ति जिसने स्टील की फ्रेम वाला चश्मा पहन रखा था और बहुत गंदे कपड़े पहन रखे थे, वह साइड रोड की साइड पर बैठा हुआ था। डस्टी का मीनिंग होता है गंदा, डस्टी मीन्स गंदा, और रिम यूज़ करते हैं हम फ्रेम के लिए, रिम मीन्स फ्रेम। देर वॉज ए पॉन्टून ब्रिज अक्रॉस द रिवर एंड कार्ट्स ट्रक्स मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन वर क्रॉसिंग इट। पॉन्टून ब्रिज का मीनिंग होता है ऐसा ब्रिज जो नाव से बनाया जाता है। बहुत सारी क्या होती है, जो बोट्स होती है वो रखी जाती है यहाँ पे, और फिर उनके ऊपर कुछ इस तरीके से फर्नीचर डाल दिया जाता है, और उसके बाद में जो भी पर्सन आता है उनसे ऊपर से होके यहाँ से आसानी से गुजर जाता है। तो पोंटून ब्रिज का मीनिंग हो जाएगा नौकाओं से बना हुआ पुल या ब्रिज। देयर वॉज ए पोंटून ब्रिज अक्रॉस द रिवर, रिवर के आर पार, यह रिवर पर एक पॉन्टून ब्रिज था, और गाड़ियां, ट्रक, पुरुष, महिलाएं और बच्चे इसको क्रॉस कर रहे थे। यहाँ पे इट यूज़ किया गया है इस ब्रिज के लिए। द म्यूल ड्रोन कार्ट्स स्टेगर्ड अप द स्टीप बैंक फ्रॉम द ब्रिज विद सोल्जर्स हेल्पिंग टू पुश अगेंस्ट द स्पोक्स ऑफ द व्हील्स। तो खच्चर के द्वारा, म्यूल मीन्स होता है खच्चर, एक एनिमल होता है, जो डोंकी और जो मेयर है उन दोनों का क्या होता है, मिक्सचर होता है। तो ड्रोन मीन्स खींचे जाने वाली, तो ड्रोन के द्वारा खींचे जाने वाली गाड़ियाँ उस ढाल वाले किनारे पर स्टेगर कर रही थी, लड़खड़ा रही थी। स्टेगर मीन्स होता है लड़खड़ाना, स्टेगर मीन्स लड़खड़ाना, और स्टीप का मीनिंग होता है ढालू, जो ढलान वाला होता है उसके लिए हम यूज करते हैं स्टीप। बैंक किनारे के लिए यूज करते हैं। तो खच्चर के द्वारा खींची जाने वाली गाड़ियां उस ढलान वाले किनारे पर लड़खड़ा रही थी। फ्रॉम द ब्रिज विद सोल्जर्स हेल्पिंग टू पुश अगेंस्ट द स्पोक्स ऑफ द व्हील्स, जबकि जो सैनिक थे वो जो व्हील्स थे उनकी ताड़ियों को पुश करके उसको आगे ले जाने में हेल्प कर रहे थे। तो गाड़ी जैसे ही यहाँ पे लड़खड़ाती है तो सोल्जर्स क्या करते हैं, उनको पुश करने की कोशिश करते हैं ताकि जो व्हील्स है वो
आगे की तरफ जाएं और गाड़ियां जो है वो आगे की तरफ हो जाए। स्पोक्स यूज़ करते हैं हम, जो टायर होता है उसके बीच की जो ये ताड़ियां होती हैं उनके लिए हम स्पोक्स वर्ड यूज़ करते हैं। इसको हिंदी में बोले तो अरे बोलते हैं। द ट्रक ग्राउंड अप एंड अवे हीडिंग आउट ऑफ इट ऑल। जो ट्रक था वो सबके आगे चल रहा था और सॉरी ग्राउंड अप का मीनिंग होता है ग्राइंड अप वर्ड से बनाइए ग्राइंड अप इसी सेकंड फॉर्म है। ग्राइंड किसी चीज़ को करते हैं तो पीसने के लिए यूज़ करते हैं और जब पीसने की जो आवाज़ आती है वो गड़गड़ाने की आवाज़ आती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो साउंड थी जो ट्रक के द्वारा क्रिएट की जा रही थी उसके लिए हम ग्राइंड वर्ड यूज़ कर रहे हैं। तो ट्रक आवाज़ कर रहे थे और उन सब के आगे चल रहे थे। हीड आउट मीन्स हीड का मीनिंग होता है आगे चलना या आगे बढ़ना। द पीजेंट्स प्लॉडेड अलोंग इन द एंकल डीप डस्ट। प्लॉड मीन्स होता है पैर घसीटते हुए चलना, पैर घसीटते हुए चलना। जो पेजेंट्स वर्ड यूज करते हैं फार्मर्स के लिए, पेजेंट का मीनिंग क्या हो गया फार्मर किसान। जो किसान थे वो टखने तक की गहरी रेत में लड़खड़ाते हुए चल रहे थे या पैर घसीटते हुए चल रहे थे। बट द ओल्ड मैन सेट देयर विदाउट मूविंग। परंतु जो ओल्ड मैन था, जिस ओल्ड मैन के बारे में यहाँ पे बोल रहे हैं ये इसका चीफ कैरेक्टर, ये वहाँ पे बिना मूव ये बैठा हुआ था। ही वॉज टू टायर्ड टू गो एनी फर्दर। वह इतना थक गया था कि आगे नहीं बढ़ सकता था। टू प्लस एडजेक्टिव। दिस फ्रेज इज यूज्ड टू शो एक्सेसिव अमाउंट ऑफ समथिंग। किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा मात्रा शो करते हैं तब टू वर्ड का यूज़ करते हैं किसी एडजेक्टिव से पहले। जो इसका मीनिंग है वो हो जाता है ही वॉज वेरी टायर्ड दैट ही कुड नॉट गो एनी फर्दर। वह इतना थक गया था कि वह और आगे नहीं जा सकता था। It was my business to cross the bridge, explore the bridgehead beyond and find out what point the enemy had advanced. ये मेरा business था। business means क्या हो गया यहाँ पे task, कार्य, काम। ये मेरा काम था और काम क्या था, bridge को cross करना। जो bridgehead था, जो bridge का जो मोर्चा था या अंतिम जो छोर था उसको explore करना। एक्सप्लोर करने का मतलब छानबीन करना, टू फाइंड आउट। ब्रिज हेड वो जगह जहाँ पे ब्रिज की तरफ दूसरी जगह पे या दूसरे किनारे पर जो सुरक्षात्मक जो चीज़ें बनाई जाती है उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं, उसको हम बोल सकते हैं मोर्चा हिंदी में। तो कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे सैनिक अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं युद्ध के समय, उसके लिए हम ब्रिज हेड यूज़ करते हैं। जनरली ये ब्रिज के अंतिम छोर पे बनाया जाता है रहने के लिए या सुरक्षा की दृष्टि से। तो मेरा काम था ब्रिज को क्रॉस करना, उसको पार करना, जो मोर्चा था उसकी छानबीन करना और ये पता लगाना कि किस पॉइंट तक एनिमी आगे बढ़ चुका था। एनिमी मीन्स होता है दुश्मन, एडवांस मीन्स होता है आगे बढ़ना।
तो यहाँ पे जो राइटर है उसका कार्य क्या था, टू क्रॉस द ब्रिज, एक्सप्लोर द ब्रिज हेड बियॉन्ड एंड फाइंड आउट टू व्हाट पॉइंट द एनिमी हैड एडवांस्ड, यू हैव टू लर्न दिस क्वेश्चन। आई डिड दिस एंड रिटर्न्ड ओवर द ब्रिज, मैंने ये किया और मैं वापस ब्रिज पे लौट आया। इसने क्या किया, इसने ब्रिज को क्रॉस किया, ब्रिज हेड को एक्सप्लोर किया और ये पता किया कि एनिमी कहाँ तक आगे बढ़ चुका था और उसके बाद में वो वापस ब्रिज पे लौट आते हैं। देर वॉज नॉट सो मैनी कार्ट्स नाउ एंड वेरी फ्यू पीपल ऑन फुट बट द ओल्ड मैन वॉज स्टिल देयर, वहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ नहीं थी, कार्ट्स मीन्स गाड़ियाँ, और वेरी फ्यू पीपल, और वेरी फ्यू मीन्स होता बहुत कम, बहुत थोड़े या बहुत ही कम, फ्यू वर्ड जो है वो नेगेटिव मीनिंग रखता है। एंड वेरी फ्यू पीपल ऑन फुट, और बहुत कम ही लोग पैदल जा रहे थे, ऑन फुट मीन्स होता है पैदल, ऑन फुट मीन्स पैदल, बट द ओल्ड मैन वॉज स्टिल देयर, परंतु वो जो बूढ़ा व्यक्ति था वो अब भी वहीं था। तो बूढ़ा व्यक्ति हमें स्टार्टिंग में दिखाई देता है जो कि ब्रिज के किनारे पे बैठा हुआ है और वो इतना थका हुआ लग रहा है कि वो आगे नहीं बढ़ सकता था, ऐसा लग रहा था उसको। वेर डू यू कम फ्रॉम, आई आस्क्ड हिम, मैंने पूछा तुम कहाँ से आए हो, पूछने वाला कौन है, राइटर, फ्रॉम सैन कार्लोस, ही सेड एंड स्माइल्ड, तो उसने कहा सैन कार्लोस से, उसने कहा और उसने स्माइल किया। जो राइटर है वो क्वेश्चन पूछता है ओल्ड मैन से, और ओल्ड मैन जो है अपना जो नेटिव प्लेस है वो बताता है सैन कार्लोस, दैट वॉज हिज नेटिव टाउन एंड सो इट गेव हिम प्लेजर टू मैंसन इट एंड ही स्माइल्ड, वह उसका नेटिव टाउन था, नेटिव टाउन मीन्स होता है जो अपना मूल निवास स्थान होता है, ठीक है, जहाँ से कोई ओरिजिन होता है या किसी का जन्म होता है उस जगह को हम बोलते हैं नेटिव प्लेस। वह कस्बा जो था उसका नेटिव प्लेस था और इससे उसको आनंद आया इस चीज़ को मेंशन करने से, प्लेजर मीन्स होता है इन्जॉयमेंट, आनंद, उनको प्लेजर फील होता है जब वह इसको मेंशन करते हैं, मेंशन करने का होता है जिक्र करना, और वो मुस्कुराने लग गए। आई वॉज टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स, ही एक्सप्लेन, उसने एक्सप्लेन किया कि मैं केवल जानवरों की देखभाल कर रहा था, टेक केयर मीन्स होता है देखभाल करना, टेक केयर मीन्स देखभाल करना। एक्सप्लेन मीन्स होता है समझाना किसी चीज़ को, व्याख्या करना। आई सेड नॉट क्वाइट अंडरस्टैंडिंग, अरे हाँ मैंने कहा बिल्कुल भी न समझते हुए, क्वाइट मीन्स बिल्कुल, अंडरस्टैंडिंग समझना, नॉट क्वाइट अंडरस्टैंडिंग तो पूर्ण रूप से न समझते हुए मैंने कहा, अरे यस ही सेड, हाँ उसने कहा, आई स्टेड मैं रुका हुआ था, स्टे मीन्स होता है ठहरना, टू स्टॉप, यू सी तुम देखते हो, टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स मैं वहाँ पे जानवरों की देखभाल करते हुए रुका हुआ था, तुम जानते हो, यू सी दिस फ्रेज इज यूज टू मेक समवन अंडरस्टैंड अबाउट समथिंग, और व्हेन वी आर थिंकिंग दैट द पर्सन हु इज लिसनिंग टू अस इज अंडरस्टैंडिंग आवर पॉइंट ऑफ व्यू, इन दैट कंडीशन दिस वर्ड और दिस फ्रेज इज यूज, यू सी इसका मीनिंग होता है तुम समझते हो, तुम्हें पता है। आई वॉज द लास्ट वन टू लीव दिस टाउन ऑफ सैन कार्लोस, मैं अंतिम व्यक्ति था जिसने सैन कार्लोस को छोड़ा था। तो जब तक लास्ट व्यक्ति वहाँ से नहीं चला जाता है, मतलब सारे लोग जब तक नहीं चले जाते हैं उस टाउन के सिवाय उसके, तब तक वो वहीं पे रुका रहता है, और जैसे ही वहाँ के जो रिमेनिंग लोग हैं वो चले जाते हैं तो लास्ट में ये ओल्ड मैन भी वहाँ से चला जाता है। तो यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन हो सकता है कि जो ओल्ड मैन है वो कहाँ से आए, तो उसका नेटिव प्लेस क्या हो गया, सैन कार्लोस, एंड वॉट वॉज ही डूइंग देयर, वहाँ पे कर क्या रहा था वो, ही वॉज टेकिंग केयर ऑफ एनिमल्स, ओके, एनिमल्स कौन कौन से थे उनके बारे में आगे मेंशन कर रखा है। He did not look like a shepherd nor a herdsman, and I looked at his black dusty clothes and his grey dusty face and his still rimmed spectacles and said,
ही डिड नॉट लुक लाइक ए शेफर्ड, वह एक भेड़ चराने वाला जैसा नहीं दिख रहा था या ग्वाले जैसा नहीं दिख रहा था। शेफर्ड यूज करते हैं गडरिए के लिए। शेफर्ड मीन्स ए पर्सन हु टेक्स द शीप टू ग्रेज और फॉर ग्रेजिंग। तो वो व्यक्ति जो भेड़ों को चराने के लिए ले जाता है उसके लिए हम शेफर्ड वर्ड यूज करते हैं। इसमें गॉड्स भी शामिल होती है, परंतु हेड्समैन जो होता है वो यूज करते हैं किसी भी कैटेगरी ऑफ पर्सन, किसी भी कैटेगरी का जो एनिमल होता है उसको चराने, सॉरी किसी भी कैटेगरी के एनिमल को चराने के लिए अगर कोई व्यक्ति ले जाता है तो उसको हम बोलते हैं हेड्समैन, ग्वाला। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस हो गया इसमें। तो गाय भैंस के लिए जनरली ये वर्ड यूज करते हैं जो चराने के लिए ले जाता है। एंड आई लुक्ड एट हिज ब्लैक डस्टी क्लोथ्स, मैंने उसके काले गंदे कपड़ों की तरफ देखा, धूल से सने हुए कपड़ों की तरफ देखा, डस्टी मीन्स धूल से सने हुए, एंड हिज ग्रेट डस्टी फेस, और उसके काले धूल से सने हुए चेहरे को देखा, एंड हिज स्टील रिम्ड स्पेक्टेकल्स, और उसकी स्टील की फ्रेम वाले चश्मे को देखा और कहा, वॉट एनिमल्स वर दे, वो कौन कौन से जानवर थे। तो यहाँ पे अगर कैरेक्टर स्केच पूछा जाता उस ओल्ड मैन का, सबसे पहले वो जो ओल्ड मैन था वो सैन कार्लोस से आया था, ठीक है, उसके एज के बारे में मेंशन कर रखा होगा आगे, वो भी हमें मेंशन करना है। उसके साथ में उसने ब्लैक डस्टी क्लोथ्स पहने हुए थे, उसका जो फेस था वो ग्रे डस्टी था, ठीक है, उसने स्टील रिम्ड स्पेक्टिकल्स पहन रखे थे। तीन पॉइंट्स ये हो गए, स्टार्टिंग में पॉइंट आया था कि वो सैन कार्लोस से आया था, ठीक। इन सब चीज़ों को जब भी हमें क्या पूछा जाता है, उसका कैरेक्टर स्केच पूछा जाता है, तो वी आर सपोज टू राइट ऑल दिस थिंग्स इन पॉइंट्स सो दैट वी कैन गेट मैक्सिमम मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। कीप दिस थिंग इन माइंड। वेरियस एनिमल्स ही सैड एंड सुक हिज हेड, आई हैड टू लीव देम। वेरियस इज यूज्ड व्हेन डिफरेंट क्वालिटीज ऑफ थिंग्स आर मेंशनड एट द सेम टाइम। वेरियस मीन्स विभिन्न, अलग अलग प्रकार के। एंड वी यूज सेवरल वर्ड समटाइम्स टू मैंसन द थिंग्स इन ए बिग क्वान्टिटी और बिग नंबर। और सेवरल वर्ड भी यूज़ किया जाता है जब हम क्या यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारे नंबर को शो करने की कोशिश कर रहे होते हैं। परंतु सेवरल और वेरियस में थोड़ा सा डिफरेंस है, आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू अबाउट दैट। वेरियस एंड नेक्स्ट वर्ड इज सेवरल, SEVERAL एंड वेरियस। वेरियस इन हिंदी द मीनिंग ऑफ वेरियस इज विभिन्न, एंड इन हिंदी द मीनिंग ऑफ सेवरल इज कई। ओके, तो यहाँ पर डिफरेंस क्या होता है, यहाँ पर जो थिंग्स होती है वो अलग अलग वेराइटीज़ की होती है, डिफरेंट थिंग्स बट इन मैनी नंबर, अलग अलग चीज़ें हैं परंतु बहुत सारे नंबर में। और यहाँ पे सेवरल में क्या होता है, सेम थिंग बट इन मैनी नंबर, सेम चीज़ होती है परंतु अलग अलग, सॉरी सेम चीज़ होती है बट बहुत सारी क्वांटिटी में होती है, बहुत सारी मात्रा में होती है, बहुत सारे नंबर में होती है, तब हम सेवरल वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे बहुत सारी बुक्स एक जगह पर रख दी गई है लाइब्रेरी में, एक ही बुक है, ठीक है, किसी के पास है, एक ही बुक की जो नंबर है वो बहुत सारे हैं, तो वो क्या हो गया, सेवरल। आई हैव सेवरल बुक्स ऑन इंग्लिश ग्रामर, ठीक है। परंतु अगर वेरियस वर्ड यूज़ करना तो हम यहाँ पे जो बुक्स होगी वो डिफरेंट होगी, उसमें हिंदी भी हो सकती है, SST भी हो सकती है, साइंस और मैथ्स भी हो सकती है, और इंग्लिश भी हो सकती है, तो यहाँ पे क्या हो गया, वेरियस। सो दैट इज दैट सिंपल डिफरेंस बिटवीन बोथ दिस टर्म्स। वेरियस एनिमल्स ही सेड एंड सुक हिज हेड, बहुत सारे एनिमल्स थे, विभिन्न प्रकार के एनिमल्स थे, और उसने अपना सिर हिला लिया। आई हैड टू लीव देम, मुझे उन सबको छोड़ना पड़ा था। हेड वर्ड इज यूज्ड व्हेन समवन ऑब्लाइज्ड अस टू डू समथिंग, जब कोई हमें बाध्य करता है किसी काम को करने के लिए तब हम हैव वर्ड यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई हैव टू राइट, ओके, the meaning of this sentence is that I am not willing to write but I am obliged to do this thing, हालांकि मैं इस काम को करने में willing नहीं हूँ, इच्छुक नहीं हूँ, परंतु ये काम किसी दूसरे के द्वारा थोपा जाता है मुझ पर, तो तब हम have word use करते हैं जब हमें कोई काम
करवाता है अपनी इच्छा के अगेंस्ट होकर. आई हैड टू लीव देम, यहाँ पे भी हैड वर्ड यूज कर रखा जो कि हैव की पास्ट फॉर्म है. और इसका जो पर्पज वो यूज़ करने का वो क्या है कि वो खुद नहीं छोड़ना चाहते थे उस टाउन को, उसकी विलिंगनेस नहीं थी, इच्छा नहीं थी, परंतु वो काम उस आर्टिलरी की वजह से, युद्ध की वजह से उनको छोड़कर वहाँ से उस प्लेस को जाना पड़ा था, इसलिए हेड वर्ड यूज कर रखा है. वॉट एनिमल्स वर दे, आई आस्क्ड, मैंने पूछा वो कौन से जानवर थे. देर वर टू गोट्स एंड ए कैट एंड देन देर वर फोर पेयर्स ऑफ पिजन्स. वहाँ पे दो बकरियाँ थी, टू गोट्स, ए कैट, एक बिल्ली थी, और वहाँ पे जो पिजन्स थे उनके चार जोड़े थे. तो टोटल एनिमल्स कितने हो गए, टू गोट्स, ठीक है, वन कैट हो गई है, और फोर पेयर्स ऑफ पिजन्स हो गए, तो वन पेयर में टू होते हैं, ठीक है, तो फोर पेयर से तो कितने हो गए, एट. तो टोटल जो एनिमल्स थे वो कितने थे, 11 थे उसके पास. तो इन सब की वो टेक देखभाल कर रहा था. और कहाँ से आए थे, ही कैम फ्रॉम सैन कार्लोस, ही वॉज एन ओल्ड मैन, ओके, हिज क्लॉथ्स वर डर्टी डस्टी एंड हिज फेस वॉज ग्रे एंड डस्टी एंड ही वॉर स्पेक्टेकल्स विच वर मेड विद स्टील फ्रेम. ओके, इन द रिमेनिंग पोर्शन विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट वॉल्यूम. थैंक्स.